वहाँ जाते 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 हैं, घूमते टहलते हैं, वहाँ उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं। क्या कौन मिलते हैं? पंडित जी मिलते हैं। तो वहाँ पंडित जी घर घर जा करके ऐसे दरवाजा खटखटाते थे, किस लिए? भिक्षा मांगने के लिए। तो अर्जुन उनके जो मित्र हैं, अर्जुन देखते हैं, उनको बहुत दया आती है उस पंडित के ऊपर कि बेचारा ये मांग रहे हैं, घर घर जा करके दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो उनके दया आती है, तो उन्होंने जो है पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी सुनिए इधर आइए। बोलिए हाँ महाराज जी, कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो पंडित जी बोलते हैं, बस अपना यही जीवन बसारा गुजारने के लिए यही कुछ अपना इंतजाम करवाए खाने पीने के लिए। बोलते हैं अर्जुन कि आप अच्छा लीजिए, मेरे पास कुछ है खाने के सिक्के, ये लीजिए आपको मैं देता हूँ, आप इसके बाद से आपकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कुछ सोने के सिक्के देते हैं उन्हें, और वो इतने में बहुत खुश हो जाते हैं, कहने की वाह। जाते वक्त कुटिया में जाते वक्त उन्हें बीच में डाकू मिल जाते हैं कुछ, और उनका जो सोने का सिक्का होता है वो क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। बहुत अच्छे, छीन लेते हैं। तो उसके बाद फिर घर जाते हैं अपने कुटिया में, अपनी पत्नी जी को बुलाते हैं कि सुनती हो जी? बोलती, फिर उनकी पत्नी आती है, बोले क्या है? बोले कि आज हमारे घर खुशियां आई थी और चंद लम्हों में फिर छू मंतर हो गई। तो उन्होंने बोला ऐसी क्या थी? तो पंडित जी ने बताया कि आज कोई मिला था हमको साम्राज्य में, जिन्होंने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे, जिससे हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ एकदम बदल सकती थी, हम मतलब राजा की तरह जी सकते थे, पूरी जिंदगी गुजार सकते थे। तो कहें कि तो क्या हुआ? तो पत्नी पत्नी बोली क्या हुआ फिर? तो पंडित जी बोलते हैं बीच में आ रहे थे, कुछ डाकू मिल गए, उन्होंने मेरा मतलब सब छोड़ लिया। तब क्या, तब अगले दिन अच्छा फिर खाना पीना खा के सो जाते हैं। सोचते सोचते पंडित जी सोचते हैं, यही सब दिमाग में चलता रहता है रात में, अक्सर आप जैसे चलता है ना रात में सोते वक्त। तो फिर जाते हैं, फिर से भिक्षा मांगते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो फिर से एक दिन मिल जाते हैं अर्जुन। फिर बोलते हैं इनको तो कहीं ना कहीं, फिर बुलाते हैं कि पंडित जी इधर आइए। तो पंडित जी आते हैं, बड़ी हाँ। वो बोलते हैं कि आपको मैंने सोने के सिक्के दिए थे, उससे आप तो पूरी जिंदगी गुजार सार कर, फिर क्यों मांग रहे, फिर क्यों आ गए? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, बताएं जो पास्ट में हुआ था उनके साथ, तो बताएं ऐसे ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने पंडित जी, फिर अर्जुन ने पंडित जी को तो कहे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक दूसरा चीज है, वो छोटी सी रहती है मोती हीरे, उससे भी ज्यादा मतलब कीमती रहती है। तो कहते हैं पंडित जी ये लीजिए आप, इससे आप और भी मतलब कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो पाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो मतलब क्या है, मतलब क्या भगवान ने मुझे दे दिया है, आप तो बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद देते हैं उनके। उसके बाद फिर उसी रास्ते से जाते हैं, तो इस बार तो पहुंच जाते हैं कुटिया में। तो उन्होंने देखते हैं कि इस बार कोई डाकू का नजर इस पर ना पड़े, इस मोती पर। तो क्या करते हैं, घड़ा में छिपा देते हैं, और उनकी पत्नी खोजते हैं उनकी पत्नी को, तो उनकी पत्नी रहती नहीं, वो कहाँ जा गए रहते हैं, नदी में पानी लाने के लिए गई रहती हैं, घड़ा में, दूसरे घड़ा में। तो जब आती हैं, तब तो पंडित जी क्या सो जाते हैं, छुपा कर घड़े में वो अपनी जो हीरे पाए रहते हैं वो कहाँ छुपा देते हैं, घड़े में छुपा कर। उसके बाद लेट जाते थे, थके रहते थे, तो वहाँ उनकी पत्नी आती है रास्ते में, तो जो पानी लेके ऐसे लेके आ रही थी तो बीच में टूट गया, मतलब बस के गिर गए, वो वाला टूट गया। तो आती है घर, तो दोबारा खोजती है कहाँ है खड़ा, दूसरा घड़ा था रखा था पुराना, तो उसी को लेकर के जिसमें पंडित जी हीरे रखे होते थे, अब वो तो सो रहे हैं, उनको क्या मालूम। वो दूसरा वाला घड़ा लेके जाती हैं, फिर उसी में नदी में भरती हैं, तैसे वो जो हीरा रहता है उसी में बह जाता है, और पानी लेके आती हैं। तब पंडित जी देखते हैं कहाँ गया हमारा, मतलब घड़ा कहाँ गया, पूरा एकदम परेशान है कहाँ गया। फिर उसके बाद देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा सुनती है जी, क्या कहाँ गया जो घड़ा, यहाँ पे घड़ा रखा था? बोल रही ये तो हमने लेके गई थी अभी पानी भरने, और यही लेके आ रही हूँ। तो देखते हैं, देखें उसमें मोती था नहीं, एकदम टेंशन में पसीने से लथपथ हो गए। बताओ आज तो तुम्हारी वजह से हम इतना अमीर बन गए थे, तुम्हारी वजह से हम पूरा कंगाल हो, बताओ हमारी लाइफ ऐसी हो जाती, लेकिन अब तुम्हारी वजह से खुशियां चली गई। तो उन्होंने बोला हुआ क्या? अरे बोले कि आज फिर से हमें भगवान मिले थे, उनके मित्र मिले थे, उससे उन्होंने दिया था हीरा, दिया था मोती, दिया था जिससे हम अमीर बन सकते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये भी खुशी चली जाती है। तो पंडित जी फिर से वही रात
सोचते हैं, उसके बाद बहुत टेंशन, फिर चले फिर जाते हैं अगले दिन मांगने के लिए। तो हाँ, जब मांगने के लिए जाते हैं तो एक दिन मांगते हैं, दो दिन मांगते हैं, तब नहीं मिलते हैं अर्जुन, मतलब उनके जो शिष्य थे अर्जुन, नहीं मिलते हैं। फिर एक दिन जाते जाते मिल जाते हैं, तो फिर बुलाते हैं कि पंडित जी इधर आइए, आपको तो मैंने हीरे हीरे मोती दिए थे, फिर क्या हुआ उसका? तो पंडित जी बोलते हैं, महाराज ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ, ये ऐसा हुआ गया, अब क्या करें बताइए। अब तो उन्हें अर्जुन परेशान हो गए, बोले अपने भगवान से, भगवान आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, क्या हो रहा है इनके साथ, हमने मोती दिया, हमने सोने का सिक्का दिया, ये सब क्या हो रहा है? तो कहे कोई बात नहीं, अच्छा हम देते हैं। तो भगवान कृष्ण दो चार पैसे सिर्फ पंडित जी बुलाते हैं, पंडित जी धराइए, दो चार पैसे दे देते हैं, बोले लीजिए आप। अब बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि आप जैसे ये पैसा पा गए, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से पीछे चले जाइएगा, मतलब उसी रास्ते जाइए जिस रास्ते से आए हैं। तो पंडित जी लेते हैं, मतलब मन उदास के, उनके शिष्य इतना मतलब सोने के सिक्के हीरे मोती, और भगवान बस ये दो चार सिक्के हमको दे दिया है, मतलब इनसे अच्छा तो इनका मित्र थे, इतना सारा दे दिया। मन उदास करके जाने लगे, बोले ओ ये क्या होगा, दो चार सिक्के। वो जाते हैं तो बीच में उन्होंने वो एक मछुआरा जो है मछली फंसी रहती है उसके जाल में, मार्क लेके आता है मछली, उसमें मछली फंसी होती है, वो तड़प रही होती है। तो पंडित जी देखते हैं, बोलते हैं ये दो चार पैसा मेरे किस लिए काम आएगा, लाओ इस मछली की ही जान बचा देते हैं। तो पंडित जी जैसे धूप ऊप रहता है निकलते हैं भिक्षा मांगने लिए, तो थोड़ा पानी उनी लिए रहते हैं अपने पीने उने के लिए। तो बोलते हैं मछुआरे से कि ये लीजिए कुछ पैसे, ये मछली हमको दे दीजिए और इसको हम आजाद कर दीजिए, इसके पैसे ले लीजिए। तो मछुआरा दे देता है मछली, तो रख लेते हैं इसमें, जिसमें पानी थोड़ा सा लिए रहते हैं, रखते हैं और जाते हैं नदी में छोड़ने के लिए। और जैसे मछली को छोड़ते हैं, तो जो मछली जानते हैं हीरे को, वो मछली घोटी रहती होती है, और जब इसमें डाले थे निकाल के जब डालते हैं नदी में, तो उसके बाद फिर देखते हैं, तो उसमें देखते हैं हीरा मेरा आ गया। मछली होती है वो क्या करती है इसमें, हाँ उलक देती है उसके बाद वही ठीक सही उलक देती है। उसके बाद तब देखते हैं पंडित जी बोलते हैं अरे मिल गया मिल गया, खूब तेज से खुशी से चिल्लाने लगते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे करते हैं। तब तक सामने से वही जो डाकू जा रहा, मतलब छीना था, वही डाकू भी जा रहा था। तो डाकू सोचा अरे पंडित जी देख रहे हैं, कहीं हमें देख के हम शक कर रहे हैं, यही कि हमें आप पकड़वाना चाहते हैं, हमें पिटवाना चाहते हैं। वो डर के पंडित जी के कदमों में आता है और महाराज कहता है, महाराज हमें हमें क्षमा कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये लीजिए अपना सोने का सिक्का, हमें बस छोड़ दीजिए, जनवाइए मत। वो सोने का सिक्का दे देता है और वो भाग जाता है। तब जाके अर्जुन कहते हैं कि ये भगवान क्या है हो गया। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो सिंपल सी बात है, जब तुम सोने के सिक्के दिए, जब तुम उसे मोती दिए, तो वो पंडित जी बस अपने ही बारे में सोच रहे थे, अपने ही हित के लिए सोच रहे थे, वो कभी भी दूसरों के भलग नहीं सुने। लेकिन जैसे ही मैंने दो चार पैसे दिए, उन्होंने किसी की जान बचाने की सोची, इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए वो चीज सब लौट के आ गई, उस खुशियां आ गई, बस यही कहानी। देखिए बढ़िया।